आपके मध्य है, हमारे मध्य है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष कर जी हैं जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, उनसे गुजारिश है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पास। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। जैसा कि आपको विदित ही है कि आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव का आज आगाज हुआ है और माननीय मुख्य चुनाव आयोग ने आज चुनावों की तारीखों की घोषणा की है और उसके पश्चात विस्तार से सारी जानकारी दी है जो कि कदम चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए हैं जो और क्या शेड्यूल है। जो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जो तारीखें अनाउंस हुई हैं उसका मैं आपको विवरण देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो अधिसूचना जारी करने की हिमाचल में पहली बात तो सिंगल फेज इलेक्शंस हैं, पूरे देश में 7 फेजेस में ये इलेक्शंस हो रहे हैं और हिमाचल में सिंगल फेज में होंगे और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 7 मई को जारी होगी और जो नॉमिनेशंस की लास्ट डेट है वो 14 मई रहेगी। स्क्रूटिनी की डेट जो है वो 15 मई रहेगी। विड्रॉल की जो लास्ट डेट है वो 17 मई रहेगी। इसके अलावा जो मतदान की तारीख है, डे ऑफ पोल जो है वो 1 जून अनाउंस निर्धारित किया गया है और डेट ऑफ काउंटिंग जो कि पूरे कंट्री में पूरे देश में सेम ही डेट ऑफ काउंटिंग रहेगी वो 4 जून निर्धारित की गई है जिससे कि पूरा ये जो पोलिंग प्रोसेस है 6 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ जो चार लोकसभा सीट्स हैं उनके चुनाव जो हैं वो कराए जाएंगे जिसमें कि हमारी जो 4 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला, जिसमें कि शिमला कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शंस होंगे। साथ ही साथ हिमाचल में जो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाय इलेक्शंस हैं वो भी सेम ही उसका शेड्यूल रहेगा, सेम ही फेज में उसका अनाउंसमेंट भी आज चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। जहाँ तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमारा जो लक्ष्य है इस चुनाव को कराने का उसमें सबसे पहले तो नो रीपोल, तो हमारे यहाँ तो वैसे ही ट्रेडिशन नहीं रहा है, तो हमारा तो लक्ष्य है कि नो एरर, जीरो एरर इलेक्शंस होने चाहिए। उसके अलावा अगला है नो इंड्यूसमेंट, तो जीरो इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस होने चाहिए। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है जीरो वायलेंस, नो वायलेंस, वायलेंस फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, विच वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैड हैव अ रिच ट्रेडिशन ऑफ हैविंग जीरो वायलेंस इलेक्शंस। एंड नो कैंपेन क्लटर, जो कैंपेन के समय जिस तरह की बातें आनी नहीं चाहिए और उसको कैसे अवॉइड करना है उसके ऊपर रहेगा जोर। और जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन को कैसे उसको रोकना है स्प्रेड करने से, जिससे कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि एनहांस्ड पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में सभी वर्गों का और सभी श्रेणियों का और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे यहाँ और पीसफुल इलेक्शंस यहाँ पे हों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। जहाँ तक कि ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे 7,990 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो अभी तक नोटिफाई हुए हैं आफ्टर डिस्कशन विद पॉलिटिकल पार्टीज। जो चेंजेस उसमें किए गए हैं वो जो सभी स्तर पे जो है वो कंसल्टेशन के बाद किए जाते हैं, तो 7,990 पोलिंग स्टेशंस हमारे यहाँ नोटिफाइड हैं। जहाँ तक इलेक्टर्स का प्रश्न है, हमारा जो लास्ट समरी रिवीजन हुआ था वो 5 जनवरी 2024 की कट ऑफ को प्रकाशित हुआ था और उसमें 1 जनवरी की कट ऑफ डेट थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो कंटिन्यूस अपडेशन में हमारे पास निरंतर जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको प्रोसेस किया जा रहा है और जो
इलेक्टोरल रोल का अपडेशन जो है वो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक हो सकेगा। तो उसके 10 दिन पहले तक भी कोई अगर अप्लाई करता है तो उसका नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल किया जा सकेगा। और मैं सभी वोटर्स से या सभी सिटीजन से भी ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपना नाम वोटर लिस्ट में अवश्य चेक कर लें, ये सही टाइम है। और अगर उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसको शामिल करने के लिए एप्लीकेशन करें फॉर्म 6 पे। और अगर उसमें कोई त्रुटि है या कोई उनका एड्रेस चेंज है तो फॉर्म 8 में अप्लाई करें। तो अभी उनको रिवाइज्ड जो है वो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन जो है वो अभी चलता रहेगा। जो हमारी आज तक की स्थिति है, यानी एज ऑन टुडे जो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं वो 55,72,740 हैं, जिसमें से कि जो सेवा अर्हता जिनको बोलते हैं सर्विस वोटर्स वो हमारे 65,682 हैं। और जो ये हमारे टोटल इलेक्टर्स में हैं, हमारी जेंडर रेशियो जो हमारी इलेक्टर रोल की है वो काफ़ी अच्छी है, 979 है, जो कि हमारी सेंसस जेंडर रेशियो से भी बेहतर है। कौन सा नंबर? जो हमारे टोटल वोटर्स अगर हम जनरल वोटर्स प्लस सर्विस वोटर्स को ऐड करें तो ये नंबर बनता है 56,38,422, जिसमें कि हमारे जो PWD मार्क्ड इलेक्टर्स हैं वो हैं 56,320, लगभग 1% हैं। और जो 85+ वोटर्स हैं इलेक्टर्स हैं हमारे इलेक्टोरल रोल में वो 60,995। जैसा वो आपको मालूम ही है कि जो जो 85+ जो वोटर्स हैं और ऐसे PWD वोटर्स जिनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% से ज़्यादा है वो पात्र हैं होम वोटिंग के लिए। तो होम वोटिंग जैसा हमारे राज्य में पहले भी हुआ है, तो होम वोटिंग के अंतर्गत जो जो पात्र लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं फॉर्म 12D में, और वो उनको ARO उसको पहुँचाने होंगे। और अगर वो ऐसा समय पर करते हैं तो उनको होम वोटिंग यानी उनके घर पे जाके पोलिंग टीम्स उनके वोट्स कैप्चर करेंगे। जो हमारे टोटल मतदाता हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं 18-19 ईयर्स एज ग्रुप, उसमें हमने काफ़ी एफर्ट किया और वो अभी जो संख्या है वो 1,38,918 हो गई है, 1,38,918, जो कि हमारे टोटल इलेक्टोरल रोल का लगभग 2.5% हमारे 18-19 ईयर्स के वोटर्स हो गए हैं। और जहाँ तक कि 20-29 ईयर्स एज ग्रुप, वो भी यंग वोटर्स ही हैं, वो हमारे 10,40,756 हो गए हैं, और जो कि हमारे टोटल इलेक्टोरल रोल का लगभग 19% के आसपास आएगा, 18-19%। इसके अलावा आपको मालूम ही है कि लॉ में एक प्रावधान हुआ है कि अब चार क्वालिफाइंग डेट्स हो गई हैं, 1 January, 1 April, 1 October एंड 1 April, 1 August एंड 1 October, सो सॉरी 1 July एंड 1 October। तो ये चार कट ऑफ डेट्स अब हो गई हैं क्वालिफाइंग डेट्स, जिसमें कि उस डेट को भी अगर कोई 18 ईयर्स का होता है तो दे आर एलिजिबल टू गेट एनरोल्ड एज इलेक्टर। सो इस प्रावधान के अंतर्गत कमीशन ने एडवांस एप्लीकेशंस का प्रोविजन भी किया है, और जो हमारे ऑलरेडी आ रही हैं उसके अलावा हमारे पास 1 April के लिए भी करीब 8,654 एडवांस एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। यानी ये 8,654 वोटर्स जो अभी इलेक्टर्स जो अभी बनेंगे, जो अभी 17+ एज हैं, 18 वो प्रॉप हो जाएंगे 1 April तक, तो वो भी इलेक्टोरल रोल में ऐड हो जाएंगे। हमारे मतदान केंद्र मैंने बताया 7,919 आइडेंटिफाई हो गए हैं, और गत इलेक्शंस में ये संख्या 7,723 थी, तो लगभग
267 पोलिंग स्टेशन हमारे बड़े हैं पिछले लोकसभा इलेक्शन से। और आपको मालूम ही है सारे जो हर एक पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम और वीवीपैट के जरिए ही वोटिंग होगी, तो उतने ही हमारी वोटिंग मशीन यूज होंगी। जहाँ तक पोलिंग स्टाफ का प्रश्न है, हमारे यहाँ जो जो पोलिंग स्टाफ 1:3 की रेशो में लगेगा, और जहाँ पे अगर बाय पोल्स होंगे साइमल्टेनियस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, तो वहाँ पे एक एडिशनल पोलिंग ऑफिसर की डिप्लॉयमेंट होगी। पोलिंग ऑफिसर के लिए डिप्लॉयमेंट के लिए ऑफकोर्स जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि जहाँ पे वो कार्यरत हैं वहाँ नहीं लग सकते, जहाँ पे के रहने वाले हैं या उनका जो होम एसी है वहाँ पे उनकी डिप्लॉयमेंट नहीं होती है। और इनकी डिप्लॉयमेंट जो होती है वो रैंडमाइजेशन द्वारा होती है, और ये थ्री स्टेज रैंडमाइजेशन होता है जिसके ज़रिए पोलिंग पार्टीज की डिप्लॉयमेंट होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ 231 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं अभी तक जिनमें 1200 से ज़्यादा वोटर्स हैं एज ऑन डेट। कमीशन का मापदंड है कि अगर 1500 से ज़्यादा वोटर्स कहीं हो जाते हैं तो उसमें एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनता है, लेकिन अभी हमारा कोई 1500 से ऊपर नहीं है। आगे आने वाले समय में होगा तो हम उसके लिए ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाएंगे। लेकिन जो 1200 प्लस जहाँ पे वोटर्स हैं वहाँ पे, और हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज भी अच्छी रहती है, तो वोटिंग की प्रोग्रेस अच्छी रहे और उसमें वोटर्स को कोई असुविधा ना हो क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो उसके लिए एक एडिशनल पोलिंग ऑफिसर वहाँ पे लगाया जाएगा उन पोलिंग स्टेशंस में जहाँ पे कि 1200 से ज़्यादा वोटर्स हैं। आपको मालूम ही है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इमीडिएटली एनफोर्समेंट में आ जाता है और आ गया है, इमीडिएटली लागू हो गया है, और इसके सभी जो प्रावधान हैं वो अब लागू होंगे, जिसके अंतर्गत स्पेशली जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई वो नई फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं दे सकते, कोई नए प्रोजेक्ट्स की शिलान्यास या कोई इनॉग्रेशन वगैरह नहीं हो सकती हैं, और कोई जो है वो अपॉइंटमेंट्स या एडहॉक या अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नॉर्मल प्रोसेस है वो खाली चल सकता है। हमारी जो फोर्स सभी हमारे इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो उस पे वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, प्लस जो वोटर्स हैं अपना नाम चेक करने के लिए जो वोटर हेल्पलाइन ऐप का मदद ले सकते हैं, तो वोटर हेल्पलाइन ऐप के ज़रिए वोटर्स अपना नेम, अगर उनको एक नंबर नहीं मालूम तो अपना वो नेम सर्च भी कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी कर सकते हैं सर्च, और अपना नाम से भी अपना देख सकते हैं कि वो उसमें रजिस्टर्ड हैं अथवा नहीं है। और NVSP पोर्टल के माध्यम से भी ये किया जा सकता है, तो ये एक, और साथ ही साथ VHA ऐप में वो ये भी देख सकते हैं कि उनके क्षेत्र के संबंधित अधिकारी कौन हैं, BLOs कौन हैं और उनके AROs कौन हैं, ROs कौन हैं, DOs कौन हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उस ऐप के ज़रिए और NVSP पोर्टल के ज़रिए प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग के जो अन्य आदेश हैं वो ये ऑफकोर्स स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ही हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद समस्त सरकारी कार्यालयों और विभागीय वेबसाइट से मंत्रियों एवं अन्य राजनीतिक व्यक्तियों के फोटोग्राफ और उपलब्धियां संबंधी जानकारी हटाई जाती है। डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक बड़ा इशू रहता है स्पेशली अर्बन एरियाज में, तो डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी रोकने के लिए तो ऑफकोर्स डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, प्लस हमारी जो फ्लाइंग स्पॉट्स टीम्स हैं वो इमीडिएटली फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगी और इंश्योर करेंगी कोई डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ना हो। ध्वनि प्रदूषण इत्यादि रोकने के लिए लाउड स्पीकर्स वगैरह की परमिशन लेनी पड़ती है और उसमें टाइम लिमिट्स भी हैं, 10 PM और 6 AM के बीच में कोई भी लाउड स्पीकर्स उसमें अप्लाई नहीं किए जा सकते।
जो भी ऐसे बैनर्स या पोस्टर्स हैं जिसमें कि गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स या कोई पॉलिटिकल लीडर्स की फोटोग्राफ्स या वो पॉसिबल नहीं है, और उन्होंने जो इसका एक ग्रेडेड रिस्पांस मैकेनिज्म है, पहला तो ये कि अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हैं तो ये जो है विदिन 24 आवर्स ये हटाने होते हैं, और अगर सार्वजनिक स्थलों पे है तो विदिन 48 आवर्स, और अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में है और उसकी परमिशन नहीं ली गई है उस ओनर से तो विदिन 72 आवर्स वो हटाए जाते हैं, तो वो तुरंत ही वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऑफ कोर्स जो हमारी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और कमीशन ने भी काफ़ी जोर दिया है इसके ऊपर कि कैसे हम मनी पावर और मसल पावर को रोके के बेचे इस्तेमाल को, और इसके लिए एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स जो हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूट हो गई हैं, और सभी जिलों में और सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो इमिडिएटली फंक्शन करना शुरू कर देंगी। जन साधारण द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के जितने भी अगर केसेस हैं तो एक सी विजिल ऐप कमीशन का है, हमारे यहाँ पहले भी इस्तेमाल हुआ है और अच्छा रिस्पॉन्स पिछले विधानसभा इलेक्शंस में उसका लोगों द्वारा दिया गया था। तो फिर सी विजिल ऐप के अंतर्गत अगर उन किसी को भी लगता है कि कहीं पे कोई वायलेशन हो रही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की या इलेक्शन रूल्स की, तो वहीं से स्पॉट से ही उसकी पिक्चर लेके या वो कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसके जो GPS कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएंगे, और जो हमारी फ्लाइंग स्पॉट्स या SST टीम्स हैं वो इमिडिएटली वहाँ पर जाएंगी। जो हम जो कमीशन द्वारा निर्धारित 100 मिनट्स का टाइम दिया गया है उसके अंतर्गत जाके वो उस वायलेशन को चेक करेंगी और रिमूव करेंगी और उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगी। तो सी विजिल एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है जिसका लोगों को अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए कि जिससे कि इस तरह की सर कोई प्रॉब्लम ना रहे। हमने जो 1950 टोल फ्री नंबर जो है वो एक्टिवेट कर दिया है, और इसमें जो कंप्लेंट्स हैं या एक सिंगल नंबर कर दिया है इंस्टेड ऑफ मल्टीपल नंबर्स एट सब डिविजन लेवल्स आल्सो, तो एक ही नंबर पे कॉल करके विद द STD कोड कोई भी अपनी समस्या भी बता सकता है, कंप्लेंट भी कर सकता है, या कोई क्वेरी हो तो वो भी उसके ज़रिए पूछी जा सकती है। तो 1950 का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ हमारे यहाँ इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं जिसका आज कमीशन की जो प्रेजेंटेशन था उसमें भी जिक्र था, जो हमारे टाशीगंग का पोलिंग स्टेशन है लाहौल स्पीति में, जो विच इज़ वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, जिसकी ऊंचाई 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और पिछले विधानसभा इलेक्शंस में भी यहाँ पे बड़ा अच्छा एक उत्सव जैसे लोग इस चुनावों को वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, और बड़ा अच्छा एक माहौल वहाँ पे रहता है। इसके अलावा हमारे कुछ और भी पोलिंग स्टेशन हैं जो 10,000 फीट की हाइट से भी ऊपर हैं, जैसे लाहौल स्पीति, जैसे नाको है, और भरमौर में भटोरी, और मनाली में काथी पोलिंग स्टेशन है जो 10,000 फुट से भी ऊंचाई पे है। जहाँ तक दूरी का प्रश्न है, हमारे सभी 7,990 में से सिर्फ हमारे सभी पोलिंग स्टेशन्स P-1 या P-2 हो गए हैं, यानी या तो मतदान के की निश्चित तारीख से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच किया जाएगा। सिर्फ एक हमारी बड़ा बंगाल की जो पोलिंग स्टेशन है उसको हम P-3 रखते हैं, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर नहीं वहाँ पे जा पाता तो बाय रोड जो है वो 3 दिन वहाँ पे पहुँचने में लग जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ पोलिंग स्टेशन, जो सबसे दूरी वाला जो पोलिंग स्टेशन है वो अभी भरमौर में अहलमी अहलमी करके पोलिंग स्टेशन है, जिसमें कि पैदल की दूरी 13 किलोमीटर पैदल की दूरी पर वो स्थित है, और जहाँ पे 183 मतदाता हैं। भटियात में एक पोलिंग स्टेशन है 73 चक्की, जो भी 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है, पैदल का डिस्टेंस 13 किलोमीटर है, उसमें मतदाता 135 हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे
मतदाता हैं वो डलहौसी में मनोला पोलिंग स्टेशन है, मनोला वन, जहाँ पे 1410 वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं एज ऑफ नाउ। और सबसे कम जो है हमारा एक तो शिमला का समर हिल है जहाँ पे 34 हैं, और किन्नौर में का है जहाँ पे 16 वोटर्स ही हैं, 16 वोटर्स के लिए भी पोलिंग स्टेशन वहाँ पे बनाया जाता है। चश्मीगंज का मैंने बताया आपको, और एक दो और हमारे बड़े यूनिक पोलिंग स्टेशन हैं। तो हिमाचल में फ्रॉम बोट टू एयर, फ्रॉम वाटर टू एयर वी हैव टू कम्यूट टू रीच द पोलिंग स्टेशन आवर पोलिंग पार्टीज। तो हमारा एक पोलिंग स्टेशन हमें पानी में से होके भी जाना पड़ता है, तो बोट से जाते हैं, जो कि फतेहपुर में है, सतकुटेड़ा, और इसमें 97 हमारे वोटर्स हैं। और बैजनाथ में ऑफकोर्स बड़ा बंगाल है, जहाँ पे कि बाय एयर जो है हमें पोलिंग पार्टी को पहुँचाना पड़ता है। इसके अलावा अभी तक जो आइडेंटिफाई किए गए हैं उसके अंतर्गत 150 पोलिंग स्टेशन ऐसे रहेंगे जो केवल महिला कर्मियों द्वारा संचालित रहेंगे, और 29 पोलिंग स्टेशन ऐसे रहेंगे जो सिर्फ दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा संचालित रहेंगे, और 54 पोलिंग स्टेशन ऐसे रहेंगे जो युवा मतदान कर्मियों द्वारा संचालित रहेंगे। और मॉडल पोलिंग स्टेशन हम प्रयास करेंगे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 से 4 जो है मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए जाए। मतदान में सहभागिता बढ़ाने हेतु हमने कुछ विशेष अभियान इस बार शुरू किए हैं। पहला तो एक मिशन 414 है, जिसमें हम लोगों ने 414 ऐसे पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी मत प्रतिशत पिछली लोकसभा इलेक्शंस में 60% से कम था। सो 414 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं, उस पर एक विशेष जोर रहेगा, विशेष टारगेट रहेंगे। इसके अलावा हमारी पिछले विधानसभा इलेक्शन में हमारा ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज था 72.42, और उससे नीचे जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन थे जो कि 63 से 70 तक जिनकी पोलिंग परसेंटेज रहती थी, उसमें हम वो 22 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, उसमें हमने एक कैंपेन शुरू किया है 22 going to 72, कि ये जो 22 पोलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिनका मत प्रतिशत काफ़ी कम रहता था, वो कम से कम जो हमारा स्टेट एवरेज पिछली बार का था वहाँ तक पहुँचे। और ऑफकोर्स हमारा जो ओवरऑल लक्ष्य तो यही है कि जो हमारे विधानसभा इलेक्शंस में जितनी पोलिंग परसेंटेज रहती थी, लगभग 76% रही थी, वो उतनी ही एटलीस्ट लोकसभा में रहनी चाहिए। बिकॉज हमें लोगों को अवेयर करना है कि लोकसभा इलेक्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि आपके विधानसभा इलेक्शंस हैं। तो अगर विधानसभा इलेक्शंस में 76% लोग वोट दे रहे हैं तो लोकसभा में भी उससे ज़्यादा ही वोटिंग होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो डिफरेंस है उसको हमें ख़त्म करना है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्टर्स 100,000 से, ये हैं ज्वाली, सुलह और जोगिंद्रनगर। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 100,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। सबसे ज़्यादा वोटर्स सुलह में हैं, 101,125, और सबसे कम वोटर्स लाहौल स्पीति में, जो कि 25,041। जो हमारे 7990 पोलिंग स्टेशन्स हैं उसमें जो हमारी लोकेशंस हैं वो 7314 हैं, कुछ मल्टीपल लोकेशंस वाले हैं। एवरेज नंबर ऑफ इलेक्टर्स जो हमारे एक पोलिंग स्टेशन में हैं वो 695 हैं अभी तक, और आगे जैसे भी ये रिवीजन होगा और कंटिन्यूस अपडेशन में और ऐड होंगे। सभी पोलिंग स्टेशन में AMF की सुविधा, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, लगभग सभी में हैं ऑलरेडी, और अगर उसमें कुछ कमी होगी तो वो उसको पूरा कर लिया जाएगा। पूरे इलेक्शन में जो हमारा लगभग पोलिंग स्टाफ का डिप्लॉयमेंट है लगभग 50,000 होगा फॉर लोकसभा इलेक्शन, और विधानसभा के लिए थोड़ा सा जो जो
बाई इलेक्शन है, वहाँ पर थोड़ा सा एडिशनल स्टाफ रिक्वायर्ड होगा। हम लोगों के एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो जो हमारे डीओज के लिए, हमारे आरओज के लिए और एआरओज के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स और स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स और जितनी भी टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं उन्हीं के, उन सभी के ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं वो एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, इंक्लूडिंग फॉर ऑल द पुलिस पर्सनल ऑल्सो। और जैसे जैसे आगे होगा तो उसके लिए फर्दर ट्रेनिंग्स और उनकी रेगुलर ओरिएंटेशन प्लस जो पोलिंग पार्टीज की जो फ्री ट्रेनिंग्स हैं वो भी सुनिश्चित करवाई जाएंगी। इस इलेक्शन में अब जो हमारी एक्सपेंडिचर लिमिट है वो 95 लाख है और पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। पहले ये लिमिट थी 70 लाख की, 2014 में ये 70 लाख थी और 2022 में इसको रिवाइज करके 95 लाख कर दिया गया। सो ये हमारे राज्य का एक मैंने आपको एक समरी एक दी है पूरे राज्य की कि किस तरह से हम लोग की क्या तैयारी है और क्या हमारे मुख्य बिंदु हैं इस इलेक्शन के लिए और क्या डेट्स हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस बार भी हमारे यहाँ इलेक्शन बहुत फ्री एंड फेयर और पीसफुल होगा और इंसिडेंट फ्री, और जैसा मैंने कहा कि जीरो एरर, जीरो इंड्यूसमेंट, जीरो वायलेंस, नो कैंपेन लेटर एंड एनहांस्ड पार्टिसिपेशन। थैंक यू। विधानसभा के लिए जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो 40 लाख ही है जो पहले थी। क्या किसमें टोटल वोटर्स में, एक जो टोटल वोटर्स में जो हमारे मेल वोटर्स हैं वो हैं 28,15,045 यानी 28,15,045 और महिलाएं हैं 27,57,660 और थर्ड जेंडर जो है वो है 35। सर हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शन भी अनाउंस हुआ है। यस। उस पर उसके इलेक्शन इंतजाम होंगे सर, पुलिस स्टेशन स्टाफ और वोटर क्या है? हाँ, उसके लिए जैसा मैंने बताया कि जो बाई इलेक्शंस के लिए एक तो अलग ईवीएम वोटिंग मशीन्स अलग होंगी, वो अलग वोटिंग कंपार्टमेंट होगा, एक एडिशनल पोलिंग ऑफिसर होंगे और उनके जो स्टोरेज और काउंटिंग की जो फैसिलिटीज हैं वो भी सेपरेट रहेंगे। सर इसमें सप्लीमेंटरी एक ये है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या ये पॉसिबल है कि बाय इलेक्शन हो सकता है? अब ये तो कमीशन ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है सर, जो तो वी सर जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे? जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे? डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो बड़ा स्पष्ट दिया गया है रूल में कि किस किस कंडीशन में जो अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट एज इलेक्शन एंड इलेक्शन, जिसमें कि ये कवर नहीं होता है। और इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो रिलेटेड टू इलेक्टोरल ऑफेंसेस हैं, रिलेटेड टू करप्शन चार्जेस हैं, रिलेटेड टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी है, तो ये सब क्राइटेरिया रहते हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रहते हैं। जी, सो ये 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, धर्मशाला में जो वोटर्स की संख्या है वो है 82,795, धर्मशाला में सॉरी इंक्लूडिंग सर्विस वोटर्स 83,718 वोटर्स हैं, 83,718
सर्विस होटल्स मिला के। दूसरा हमारा लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति में 25,724 वोटर्स। देन सुजानपुर में है 76,830। बडसर इज 88,432। गगरेट 84,887, कुटलहर 87,857। पेड न्यूज़ के रुकने के लिए एक तो सबसे पहले ज़िला स्तर पे जो है वो कमिटीज़ बनाई गई हैं। एमसीएमसी कमिटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई हैं, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, जो कि पेड न्यूज़ का अगर उनको कोई केस ऐसा समझ आता है उनके ध्यान में या कोई लाता है तो उसके उसमें वो जो कंसर्न्ड कैंडिडेट है उसको नोटिस देते हैं और नोटिस के रिप्लाई के हिसाब से वो निर्णय करती है वो कमेटी कि ये पेड न्यूज़ का केस है या नहीं। और अगर वो पाया जाता है कि पेड न्यूज़ का वो केस है तो कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में उतना खर्चा जोड़ा जाता है और साथ ही जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी उसकी रिपोर्ट जाती है कि फला न्यूज़पेपर के फला पत्रकार ने ये पेड न्यूज़ का प्रूव हो गया इनका केस। और उसमें फिर अपेलेट अपील का प्रोविज़न है, अगर कोई कैंडिडेट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो अपील कर सकते हैं, जो हमारे स्तर पे जो कमेटी बनाई गई है उसको अपील कर सकते हैं। सर, कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान अक्सर ये देखा गया है कि अधिकारी भी बदमाशी करते हैं, ऐसे में क्या डीसी एसपी और अन्य अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन जारी की गई है या फिर उनके साथ कोई नहीं हुआ? हाँ, ये हमारी उनसे ट्रेनिंग्स में भी उनको बताया गया है और वैसे भी मीटिंग्स उनसे हुई हैं जिसमें कि अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो कि बायस्ड रूप में काम करते हैं या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं तो उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव पर कितना टोटल कितना खर्चा आने का है? जो एक्सपेंडिचर की लिमिट है वो तो 95 लाख है इलेक्शन करवाने के, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर नहीं, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर।